फ्रेंड, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे और एक वीडियो लेके आपके सामने हाजिर। तो फ्रेंड, मैं आया हूँ नेरुल, न्यू मुंबई नेरुल स्टेशन से थोड़ी सी दूर पर है ज्वेल ऑफ न्यू मुंबई। कभी कभी ट्रम्बल हो जाता है। ज्वेल ऑफ न्यू मुंबई का मतलब है यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा तालाब है और बहुत सारे लोग यहाँ पर विजिट करने के बाद आते हैं। और इस करीब 3 साल पहले मैंने इस जगह का ब्लॉग बनाया था, लेकिन सिर्फ तालाब का बनाया था, बाकी एक्सप्लोर नहीं किया था। तो इन 3 सालों बाद वापस एक बार मैं यहाँ पे आया हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगा इस तालाब में नया क्या है। तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहेगा। अभी थोड़ा अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद आपको बाकी की बातें अंदर जाकर। तो पहले बाहर जो एंट्रेंस है मैं आपको दिखा देता हूँ एंट्रेंस। तो फ्रेंड, ये है एंट्रेंस। एंट्रेंस जो है बहुत ही सुंदर है। आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे साइकिलिंग करते हुए और बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे। पहले अंदर चलते हैं, लेकिन आपको पहले एंट्रेंस दिखा देता हूँ। एंट्रेंस बहुत ही प्यारा है यार। तो ये है एंट्रेंस, कोई टिकट नहीं लगता अंदर जाने के लिए। तो चलो अंदर चलते हैं। सो ये है एंट्री और बड़ा ही प्यारा है यार, आप देख सकते हैं। पहले आगे जो है आगे तालाब है और आजू बाजू जो है गार्डन में आपको सब दिखाऊंगा। फिलहाल अब बजे हैं शाम के 4:30 और 4:30 बजे मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्योंकि सनसेट भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ देखने को मिलता है। तो आप वैसे भी देख सकते हैं बहुत सारे लोग आए हैं। वैसे भी संडे है आज, तो इसीलिए भीड़ कुछ ज़्यादा ही होता है। वाह। सो एंट्री करते ही ये जो स्पेस है यहाँ पे, ये जो मेरे सामने जो मैं देख पा रहा हूँ, कुछ डांसिंग वेंसिंग चल रहे हैं एंड स्केट बोर्ड। वाओ। ओके, तो आप देख सकते हैं वो जो तालाब है, मैंने जब 3 साल पहले जब ब्लॉक किया था तो जिस ये तालाब को चक्कर मार कर दिखाया था, तो अंदर की तरफ एक्सप्लोर नहीं किया था। बहुत सारा गार्डन है, गार्डन आपको दिखाता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे बहुत ही भीड़ है। स्कीट बोर्ड वाले भाई कुछ जलवा दिखाएंगे। ओके, आई गेस दे आर व्हील्स बना रहे होंगे भाई, मुझे तो ऐसे लग रहा है। रील्स वाले हैं यहाँ पे सब। तो थोड़ा आगे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं यार 3 साल के बाद यहाँ आने के बाद डिफरेंस तो बहुत है। 3 साल पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये जो फुटपाथ है जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जो फुटपाथ है ऐसा बिल्कुल नहीं था। थोड़ा सा छोटा छोटा था, लेकिन अभी थोड़ा सा ठीक कर दिया गया। तो और थोड़ा आगे चलते उसके बाद देखते हैं आगे क्या है, उसके बाद फिर रिटर्न होते हैं। मेरे पीछे और भी एक गार्डन है, गार्डन एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन आप इस तालाब को देखिए, लेकिन इस तालाब में बोटिंग करने नहीं देते आपको, वो याद रखिएगा। सामने जो व्हाइट जो देख रहे हैं वहां पे, वो पूरी की पूरी फ्लेमिंगो जो बर्ड है उसका झुंड बैठा हुआ है। पता नहीं, मैं जूम करूंगा तो ये फट जाएगा, मोबाइल से शूट करता हूं तो इसके लिए आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये फ्लेमिंगो का पूरा झुंड बैठा हुआ है। वैसे भी न्यू मुंबई फ्लेमिंगो बर्ड के लिए बहुत ही फेमस है। तो इस तरफ तो और कुछ है नहीं दिखाने के लिए, क्योंकि एंड हो जाता है। और ये जो फुटपाथ है वैसे आपको पूरा इस तालाब का चक्कर लगाता है, तो आप अगर यहाँ आएंगे तो आप पूरा चक्कर लगा सकते हैं। तो मैं इस कोने पे तो पहुँच गया हूँ, अब उस कोने पे देखते हैं उस तरफ क्या है नया देखने के लिए। तो चलो उस तरफ ही चलते, वापस हो जाते हैं यहाँ से। तो इस छोटे छोटे जंगल के अंदर, पार्क के अंदर, एक्चुअली जंगल है, पार्क के अंदर ही जंगल बनाया है। तो ये छोटे छोटे हट है जहाँ पे लोग जो लेबर है यहाँ पे ही रहते हैं। और आप देख सकते हैं छोटे छोटे हट बना के रखे। वाओ, ब्यूटीफुल। तो हम उस तरफ से बाहर निकल सकते हैं। तो इस स्पेस को देखिए यार, ब्यूटीफुल। वाओ, गांव जैसे बना रखे हैं, कुछ 4-5 घर हैं यहाँ पे। आप लोग रहते हैं यहाँ पे? ओके, थोड़ा ऐसे देख सकता हूँ ना।
ब्यूटीफुल जो खाना बनाते हैं बाहरी एकदम ट्रेडिशनल टाइप। वाह, और इस तरह से भी हम जहाँ से आए उस तरह से वापस हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके। वाह, दोस्त दोस्त आप लोग ही देखभाल करते हैं ये सर? हाँ क्या? ओके, पूरा गार्डन पूरा जो भी है यहाँ पे जितना भी। ओके ओके, तो इन लोग है जो इस पूरी एरिया का जो साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। ब्यूटीफुल, तो अभी थोड़ा बाहर निकल जाते हैं फिर दूसरे एंड में चलते हैं फिर। चला काका, बाय। पूरी गांव जैसा फीलिंग आया। पीछे देखिए चार पांच घर ही है और इस पूरी इलाके को इन लोग ही साफ सफाई रखते हैं और देखभाल करते हैं, तो अच्छा लगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, उस जो लास्ट पॉइंट जो गया था वहाँ से अभी हम दूसरी एंड की तरफ चलते हैं और देखते हैं उस तरफ क्या है। ये तो एंट्रेंस की तरफ आ गया मैं। अब तो ये है ब्यूटीफुल बिटल नट का ट्री, शायद बिटल नट, यस यस, ये सुपारी का ही पेड़ है। वाह, ये तो सब हमारे आसाम में ही होते थे और मुंबई में तो कभी देखने को मिला नहीं, तो फर्स्ट टाइम। तो चलो अंदर चलते हैं कैसा। वाह 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 वाह, ब्यूटी ब्यूटी, वाह आप देख सकते हो ब्यूटीफुल। लेकिन बड़ा ही कमज़ोर बिटल नट है सुपारी के पेड़, शायद इस मौसम पे यहाँ पे नहीं उगता, फिर भी ज़ोर ज़बरदस्ती उगा कर रखे हैं, इसीलिए बहुत सारे सूख गए हैं। फिर भी ब्यूटीफुल, पीछे रोड साइड आ गया और छोटा सा गार्डन मेरे पीछे, तो प्यूरी प्यूरी फाइन। तो ये है इस तालाब का दूसरा एंड जहाँ पे बहुत ही सुंदर सा गार्डन है, आप देख सकते हैं और आप यहाँ आकर एंजॉय कर सकते हैं। तो ये है तालाब के दूसरी तरफ और अब वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते, अब थोड़ा आगे चलते हैं जहाँ पे परफॉर्मेंस चल रहा था, परफॉर्मेंस देखते हैं और निकल जाते हैं। तो चलो यार, आज की वीडियो के लिए इतना ही, जितना हो सके मैंने आप लोगों को दिखाया। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो प्लीज़ आइए और एंट्री बिल्कुल भी फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, एंड आप लोग जो नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, यार बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आप लोगों को नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाए। तो सो मच वीडियो देखने के लिए और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती है, तब तक के लिए बाय बाय।